भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। निचले इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के लालबाग स्थित महिला छात्रावास की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां बाढ़ का पानी हॉस्टल में घुस गया है। हॉस्टल में पानी आने से छात्राएं अपने घर जा रही हैं। बता दें कि इस हॉस्टल में कुल 300 छात्राएं रहती हैं, लेकिन पानी आने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। मौके का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और 29 सेंटीमीटर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उसका असर जो है अब निचले इलाकों को छोड़कर आप शहरी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी स्नातकोत्तर महिला छात्रावासों में पानी प्रवेश कर गया है। आप देख सकते हैं कि पूरा ये इलाका जो है पानी से भर चुका है और विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा यहाँ छात्राओं को हॉस्टल खाली करने का निर्देश दे दिया गया है। बहुत दिक्कत होती है, क्या क्लास आने जाने में, पढ़ाई में दिक्कत। कहीं ना कहीं इसमें मच्छर जो है और कीड़े मकोड़े हैं, सांप हैं, लगातार इसमें आते रहते हैं। और जो छात्राएं हैं अभी रह रही हैं उनको भी खाली करने का आदेश दे दिया गया है। कितना दिक्कत होता है आप लोग? थोड़ा बहुत, ज्यादा भी नहीं। ज्यादा नहीं, लेकिन पानी प्रवेश कर गया है। हाँ, पानी तो है, मच्छर का डर है। हाँ, वो तो होगी ना। यहाँ हॉस्टल खाली करने का आदेश दे दिया गया है। ये कोई पहली बार नहीं है, हर एक बार जो है जब भी बाढ़ का खतरा होता है तो इस हॉस्टल में जो है पानी भर जाता है। यहाँ पर कुल 6 छात्रावास हैं और 6 की हालत कम बेस सबकी वही रहती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड में कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। गांव के घरों में 3 फीट तक बाढ़ का पानी भरा हुआ है। सड़क पर पानी भर जाने से गांव के लोग नाव से आना जाना कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग काफी मुसीबत में रह रहे हैं, प्रशासन की तरफ से हमें कोई देखने वाला नहीं है। वोट लेने के टाइम तो खूब नेता लोग आते हैं, लेकिन अभी तक कोई विधायक या सांसद सुध लेने नहीं आए हैं। देखिए, ये जो है ना सीसी रोड है, इस पर नाव चल रहा है। पूरा देखिए रहे हैं, ये सारा बस्ती डूब चुका है। ये अभी जो है तो हम लोग नाथू टोला में हैं। ऐसा टोला जो है तो 14 टोला प्रभावित है बाढ़ से, और आज तक हमारे ना सांसद ना विधायक कोई भी यहाँ देखने के लिए नहीं आया बाढ़ में, ये क्या स्थिति है नहीं है। यहाँ बहुत कुछ की दिक्कत है, नाई बेढ़ा के अनाज पानी भी सब डूब धंस गया। यहाँ बहुत कष्ट है, अभी सरकारी कोई आदमी देखने नहीं आया। पूरा दिक्कत है सर, जब रोड में पानी भर गया है, घर में भी पानी भर गया है, खाने पीने के कोई ऐसी है आना, कोई विधायक आए नहीं, कोई प्रशासन आए